सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदिति पंच जना अदिति जातम अदिति जन त्वम दो शांतिरंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति गुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन् महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरणगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। मुकेश भाई, अरविंद पांडे जी, नागेश तिवारी जी, रमेश पाठक जी, सब लोग मंच पर आवे और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को आवाहन करता हूं, उनको निमंत्रित करता हूं कि आज भगवान बाल कृष्णलाल का जन्मोत्सव मनाया जाना है। सभी भक्तों से निवेदन है, जो भी भक्तजन अपने जिन भी गृह कार्य में लगे हों, उन अपने गृह कार्यों को यथा उचित स्थगित करके अतिशीघ्र कथा पांडाल में आवें। अवध धाम से आए अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य प्रवर परम आदरणीय परम पूजनीय डॉक्टर श्री रघुपत त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी वाणी से भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करके अक्षय पूर्णिमा के भागी बने। आइए सब लोग आरती करते हैं बड़े भाव से बड़े श्रद्धा के साथ। आरार्तिक्यम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो वजायत श्रोद्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्निर्जायत। आरती पावन पुराने की आरती पुराने की धर्म भक्ति की ज्ञान खाने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की सतत आर
विनाशिनी विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर बात ज्ञान की परम ज्योति पर बात ज्ञान रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मोति मोति रति प्रेम सुदासिनी मोति मोति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की कथा अकिंचन प्रिय सुजाने की आरति अति पावन पुराने की आरति अति पावन पुराने की धर्म भक्ति बोलो भागवत भगवान की जय श्री बांके बिहारी लाल की पूज्य श्री व्यास देव जी महाराज की आरारतिक्यम समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम पुष्पय देवाद वंदनम आत्माभिवाद वंदनम हरि ओम जगनेन्न जगमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रसवान्यासन्नाते हनाकं महिमाना सचंद्र जत पूर्वे संत देवा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्राण परमेश्वरः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से बोले राधा कृष्ण भगवान की जय सभी श्रोता भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं शांति का परिचय बनाए रखें आरती आपको मिल रही है आरती लीजिएगा ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करने वाले रमेश भाई अरविंद पांडे जी रमेश पाठक जी मुकेश भाई जी आप सब लोगों ने बड़ा बजरंग राठौर साहब जी बड़े अत्यंत सहयोग से बड़ी मेहनत के साथ ये कार्यक्रम का शुभारंभ कराए जिसका आज चतुर्थ दिवस है हम सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं से निवेदन करेंगे जो लोग अभी कथा पांडाल में नहीं आए हैं वो अपने कार्य को विश्राम दे करके अतिशीघ्र कथा पांडाल में आए भगवान की परम मंगलमय कथा भगवान के जन्म प्रसंग की कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने अवध धाम से आए परम पूजनीय परम आदरणीय आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री रघुपत त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मधुरमयी रसमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने जय पारस टीवी चैनल के माध्यम से आप सब लोग भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं लखनऊ से आए हमारे दूरदर्शन के कलाकार जन आप सबका बड़ा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है व्यास मंच से चैनल से अरविंद जी आशुतोष जी और योगेश जी आप सबका बड़ा हार्दिक स्वागत अभिनंदन है इस चैनल के सीईओ साहब आपका भी बड़ा स्वागत अभिनंदन है यहीं से आप सब लोग बड़े बड़भागी हैं संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए
इस संसार में दो चीज बड़ी दुर्लभ है, संतों का समागम, भगवान हरि की कथा। हम आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परम विद्वान, परम अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता आचार्य प्रवर डॉक्टर श्री रघुपति त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी, मधुरमयी, रसमयी, संगीतमयी वाणी के द्वारा भगवान की मंगल कथा को श्रवण करके अच्छे पुण्य के भागी बने और अपने जीवन को धन्य बनावें, अपने जीवन को कृतकृत करें। पूज्य महाराज श्री चरण कमल चिन्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीवेदपुरुषाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परम विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादु सर्वकार्यार्थ सिद्धये वागीशाद्याः सुमनसाः सर्वार्थानाम् उपक्रमी इयं नत्वा कृतकृत्यास्युः तं नमामि गजाननम्। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्तीम परीणमाला मरालपृष्टासनसन्निविष्टा सरस्वती
सरस्वतीं तां शिरसा नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरि देवी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुणबिंबफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। धियं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वंदी महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो वन्ता प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरास्वधाम्नम् अन्यान् सहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवति पुरुषाय तुभ्यम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जे मुदीरये। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभं उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति माँ भगवती की जय। जय जय श्री सीता। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु स्वयं भगवान नंद नंदन ब्रजेन्द्र नंदन मुरली अधर धर सौलभ्य परिपूर्ण गोपीकांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनुसुईया पाला घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की इस पावन पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस
सबका आनंद लेने आई सुधीर श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक मंडल को सहृदय धन्यवाद देते हुए उनके हृदय में भगवान से भगवत भक्ति की अमल विमल कामना करते हुए इस पवित्र सत्संग संध्या का समारंभ करते हैं। आदरणीय श्रोताओं, ये दास आपसे नित्य निवेदन करता है, जीव को ये भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? भागवत में लिखा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। मनुष्य के जब जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर युग युगांतर के पुण्य कर्म संचित होते हैं तब उस जीव को यह पवित्र शास्त्र श्रवण करने का मौका मिलता है। अरे भैया, ये भागवत भाग्यवानों को मिलती है, ये धनवानों के लिए नहीं है। ये भागवत भगवत भक्तों के लिए है, संसार की कामना को मन में रखकर जीने वाले लोगों के लिए नहीं है। आइए, जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई, भगवान स्वयं प्रभु द्वारिकाधीश रथ का संचालन करते हैं और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब आप रथ के नीचे उतरिए। शब्दों पर ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण सारथी है और जत जो रथ पर बैठा हुआ है वो है रथी, उसका नाम है अर्जुन। भगवान ने संकेत दिया तो अर्जुन नीचे उतर करके आ गई और भगवान ने संकेत दिया तैसे पताका पर हनुमान जी महाराज बैठे थे वो भी उड़ गए और रथ में लग गई आग, वो रथ जल करके खाक हो गया। भगवान जब उतरे तो रथ में आग लग गई। अर्जुन ने कहा, महाराज इस रथ में आग लग गई, ये बात मैं समझ नहीं पाया। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब सारथी उतर जाता है तो रथ में तो आग लगना स्वाभाविक है, ये आपका शरीर रथ है और इसमें बैठी हुई जीवात्मा जो इसको संचालित करती है वो है सारथी। जैसे प्राण शरीर से निकला ये आग के हवाले तुरंत कर देंगे, एक मिनट डेट नहीं करेंगे। तो इस शरीर रूपी रथ को, इस पर बैठा हुआ हमारा आपका सारथी उतरे कैसे, इसी के उपाय को बताती है श्रीमद् भागवत महापुराण। आइए, पहले सब लोग स्वर में स्वर लगाकर और मस्ती से तालियां लगाते हुए थोड़ी देर भगवान नाम जप करते हैं, उसके बाद चलते हैं भागवत मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। सब लोग बड़े पवित्र मन से भगवान नाम का जप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव
मन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर द्वारिकाधीश भगवान जय हो। आदरणीय भगवत कथा रसिक श्रोताओं, कल आपके समक्ष निवेदन किया जा रहा था श्री जड़भरत जी का चरित्र, 28 प्रकार के नरक यातनाओं का वर्णन, अजामिल का उद्धार, प्रहलाद जी का चरित्र और गृहस्थ धर्म का निरूपण कल आपने आनंद लिया। ये कथा भगवती आज भागवत के अष्टम स्कंद में प्रविष्ट है। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जी महाराज पतित पावनी कलिकलुष्टगंधिनी भगवती भास्वती मां गंगा के पवित्र तट पर इस भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। उस गंगा के तट पर बड़े बड़े अमरात्मा परमहंस योगींद्र मुनींद्र बैठे कथा का आनंद ले रहे हैं। भैया मैं बराबर कहता हूं, ये कथा भाग्यवानों के लिए है, जिसके भाग्य में है वो श्रवण कर सकता है। अब आगे तो आवत यही सर अति कठिनाई, वो लेटे भी रहेंगे, उठ करके नहीं जाना चाहेंगे। पापी कहता है हम जाएंगे नहीं, और भगवान कहता है, कहते हैं मत आओ बेटा, नहीं मुझे तेरा भी कल्याण करना पड़ेगा। जय हो। ये दोनों संकट, पापी आना नहीं चाहता और भगवान लेना भी नहीं चाहते। ये कथा का प्रवाह प्रवाहित है, देश में पता नहीं कहां कहां बैठे लोग आनंद ले रहे होंगे, उन सबको धन्यवाद देते हैं। और सब प्रारंभ है महाराज, जो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हो वो सारे भाग्यशाली लोगों को नमन। भागवत के अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है, इस 24 अध्याय का मतलब कि प्रकृति के 24 बंधनों से हम मुक्त कैसे हों। जैसे 24 तत्व है, 24 प्रकृति है और एक परमात्मा इसको संचालित करता है जिसको हम पुरुष कहते हैं, जो सांख्य शास्त्र में आपकी कथाओं में बताया गया। भगवान कपिल सांख्य शास्त्र के उद्गाता हैं और वो कहते हैं, भगवान कपिल कहते हैं ये प्रकृति 24 है और इसका संचालन मैं खुद करता हूं, और 24 प्रकृति में पहली प्रक्रिया है हरि संस्मरण और दूसरी प्रक्रिया है भगवत स्मरण। मैं 24 प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन उसमें दो चीज जो प्रधान है उसको आप सुन लीजिए। दो चीज हमेशा याद रखना, एक अपनी मौत को और एक भगवान के नाम को, इसको मत भूलो, ये दोनों निश्चित है। जो इनको याद रखता है वो गलती नहीं करता है। आइए भागवत के 10 अध्यायों में, अष्टम स्कंद के 10 अध्यायों में दान धर्म का निरूपण है और भागवत के 9 अध्यायों में प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का निरूपण है। दान धर्म में राजा बलि का चरित्र, दान और प्रतिज्ञा में, और लास्ट के 1 अध्याय में भगवान ने मत्स्य का अवतार धारण किया है, उनका चरित्र है 24 अध्याय।
महाराज परीक्षित जी ने सवाल किया, बड़ी गंभीरता से लेना प्रकरण को, और मैं बड़ी सरलता से बोलना भी चाहता हूं। राजा परीक्षित जी ने कहा वादरायण वादरायण एतत्मे श्रोतुमिच्छामहे वयम्। हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्तम मुचत। भगवान ने गजेंद्र का कल्याण कैसे किया? महाराज भगवान ने गजेंद्र का कल्याण कैसे किया ये मैं आपसे श्रवण करना चाहता हूं। आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी जवाब देते ही राजन श्लोकों को देखते रहना भागवत जी की। आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति भी श्रुता। एक पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट, वो क्षीर सागर से घिरा हुआ है। ध्यान देना, उस पर्वत की विशेषता यह है कि नाना प्रकार के वृक्ष और नाना प्रकार के पुष्प और लताओं से वो पूरा आच्छादित है। मतलब मेरे कहने का सुंदर मतलब यह है कि वो अत्यंत रमणीय स्थल है, बहुत सुंदर लगता है देख। उस पर्वत में एक सरोवर है, गजेंद्र कहते हैं हाथी को। एक बार गजेंद्र हाथी बहुत सारी हथिनियों के साथ उस सरोवर में प्रवेश कर गया। एक शब्द होता है शौक, ये महाराज जान ले लेता है। ये जान ले लेता है जान। हाथी को बहुत अच्छा शौक है पानी में स्नान करने का, जल क्रीड़ा करने में हाथी अगर हिल जाए तो वो कब निकलेगा इसका पता नहीं होता। वो गजेंद्र जब स्नान करने के लिए सरोवर में गया तो सरोवर में एक जीव रहता था जिसका नाम था ग्राह। उसने गजेंद्र के पैर को लिया पकड़। ये तो कहानी आप सब जानते हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आध्यात्मिक रूप से आपको समझा दूं। ये संसार ये एक सरोवर है और जितने हम लोग हैं गजेंद्र, उसी सरोवर में गिर गए। और ये परिवार के जितने लोग हैं ये सब है महाराज ग्राह, ये छोड़ते नहीं। मैंने तो देखा है संसार में, मैं घूमा भी हूं दुनिया और देखा भी हूं। बुढ़े हो गए हैं और कहते हैं महाराज आशीर्वाद अगर आप देते तो 10 साल अभी हम और जी जाते हैं। लाठी खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, लेकिन पड़े उसी दरवाजे पर। ऐसी जिंदगी जब जीने की नौबत आए तो भगवत शरणागति लेकर कहीं तीर्थ में अपने प्राण छोड़ दो। घर में इतना न डूब जाओ कि घर तुम्हें बर्बाद कर दे। भागवत में तो वर्णन है, महात्म्य में वर्णन है भागवत जी की। बड़ा विलक्षण वर्णन है। महात्मा नारद जी ने भक्ति को समझाते हुए कहा है, हे भक्ति देवी, तुमको मैं हर घर में हर जन में स्थापित कर दूंगा, लेकिन कली के प्रभाव के कारण वो भी सफल पूरी तरह से नहीं हो पाए।
आप देखते होंगे इस संसार में राम की पूजा करने वाले भी लोग हैं और भगवान को भी गाली देने वाले लोग बैठे हैं, मिलते हैं नहीं मिलते हैं। लेकिन उनकी दयालुता देखो, जो सारा दिन उनकी पूजा करता है माला लेकर के, उसको भी रात को दाल रोटी शाम को खिलाते हैं, और जो गाली देता है उनको बैठ करके उसको भी ठाट से भोजन कराते हैं। ये कितने बड़े दयालु है महाराज। हमें आपको शायद कोई अपशब्द तो कह दे, हम जिंदगी में लौट कर उसके दरवाजे पर न जाए। हमारे बारे में कोई सोच ले, हो सकता है कि हम लोग न माफ कर पाए, लेकिन इनकी दयालुता देखो, जो गाली दे रहा है उसको भी खिला रहे हैं और जो पूजा कर रहा है उसको भी खिला रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके बारे में टिप्पणी होने लगे, जब आपके बारे में लोग कहने लगे, तो आपके बारे में कौन बोलता बोल सकता है जो आपके बारे में जानता नहीं होगा। क्योंकि अनजान लोगों पर तो कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ता जिससे अनजान होता है उसी पर भौंकता है, जिसको जानता है उस पर नहीं भौंकता। तो ये निंदा स्तुति छोड़ दो। गजेंद्र फंसा और जब ग्राह ने खींचा तो कहा कोई आया होगा छोटा मोटा जीव, मैं हाथी हूं, अभी निकल जाऊंगा इसको लेकर के। लेकिन हे महाराज परीक्षित, जब गजेंद्र निकलना चाहा उसने पूरी ताकत लगा दी लेकिन निकल नहीं पाया, अफसोस बात। गजेंद्र ने अपने बच्चों से कहा कि भैया सूंड में सूंड डाल करके तुम सब लोग मुझे खींचो। बच्चे 15 दिन तक गजेंद्र को खींचते रहे। जब गजेंद्र को नहीं निकल पाए तो बच्चों ने कहा पिताजी हम जा रहे हैं, आप निकलेंगे नहीं। बच्चे चले गए गजेंद्र को छोड़कर। अरे भैया, ये गजेंद्र रो पड़ा और अपनी पत्नियों से कहा देख रही हो इनको पालने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, और आज मेरे इस दिन पर ये मेरा साथ नहीं देते हैं। अफसोस है हमें। बच्चे चले गए, गजेंद्र रोता रहा तो अपनी पत्नियों से कहा तुम लोग तो खींचो। 15 दिन हुए सब ही बेचारी खींची, लेकिन जब हाथी को नहीं निकाल पाई तो पत्नियों ने कहा हम भी जा रहे हैं, वो भी चली गई। अब गजेंद्र पड़ा अकेला। ऐसे आपका परिवार है, जब तक आप में रूप है, जब तक आप में जवानी है, जब तक आप में पैसा है, पूरे घर में आपकी बड़ी इज्जत है। और जिस दिन ये ढल जाएगा तुम्हारी क्या स्थिति होगी ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। लेकिन मैं सावधान ये करना चाहता हूं, बुढ़ापा तो आनी है, उसके पहले भगवत शरणागति और भगवान को प्राप्त कर लो कि पूरे घर में अच्छा संस्कार रहे, ये जीवन बीत जाए जितने दिन का है ठीक से, ज्यादा अच्छा रहे। एक बात बोल दूं, कलिकाल में मनुष्य की उम्र 100 साल बताई गई है, ध्यान देना। इसकी उम्र रियल में ब्रह्मा जी ने 25 साल लिखा था। तो मानव की खोपड़ी कभी संतुष्ट तो नहीं होती। इसने ब्रह्मा जी से कहा महाराज 25 साल तो बहुत कम है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये ब्रह्मलेख है, मैंने जो लिख दिया ये मिटेगा नहीं, मैंने 84 लाख योनियों का निर्माण किया है, इनमें से मांग लो अगर कोई दे दे तो। जब इस तरह से कहा तो पशुओं की सभा से निकला बैल, उसने कहा महाराज कलयुग में मेरी जिंदगी आपने 43 साल लिख दी है। अरे हमें दूसरे का खेत ही तो जोतना है, हमारा 25 साल इस आदमी को दे दीजिए, 15-16 साल में हम छुट्टी पा जाए। 25 साल आपको मिल गया, बैल की जिंदगी आपकी हो गई 50। इसने ब्रह्मा जी से कहा महाराज कुछ और बढ़ाइए। तो फिर निकला कुत्ता और उल्लू। कुत्ता ने कहा महाराज मुझे दूसरे के घर लाठी ही तो खाना है, और आपने मेरी उम्र 32 साल लिख दी है कलयुग में, 25 साल इनको दे दो, 7 साल में हम भी छुट्टी पा जाए, आपकी उम्र हो गई 75। इसने ब्रह्मा जी से कहा एक बार और बढ़ा दीजिए, अब नहीं कहेंगे। तो उल्लू ने कहा मेरी उम्र 28 साल महाराज कलयुग में, हमें न कोई देखना चाहता है न सुनना चाहता है, हम क्या करेंगे वहां धरती पर रह करके, ये 25 साल मेरा भी दे दो मनुष्य को, हम 3 साल में छुट्टी पा जाए। अब यही तुम्हारी 100 साल की जिंदगी है, ध्यान देना शब्दों पर।
ये 25 साल कब बीत जाता है ये तो पता नहीं लग पाता है। ये तो एक ड्रिंक इज बी मैरी, खाने पीने मौज करने में बीत गया 25 साल। और 25 से जो 50 की जिंदगी है ये उसी बैल की जिंदगी है। बेटा पढ़ाना है, बेटी पढ़ानी है, इनका विवाह करना है, माँ की दवा करानी है, बाप की दवा करानी है, घर बनवाना है, वो जिंदगी बैल की है। तो बैल की तरह ही नधेर होगे तब काम पूरा होगा। और जब 50 से 75 की तरफ चलोगे तो 70 साल का वृद्ध आवाज देता है, बहू चाय तैयार है, तो आवाज आती है बैठो ला रही हो, क्यों परेशान क्यों? क्योंकि वो जिंदगी कुत्ते की है, कुत्ते की तरह डांटे जाओगे। और जब 80 साल के हो जाओगे तो तुम्हारा एक 2 साल का नाती 3 साल का दुकान पर चला जाएगा, तुमको दरवाजे बैठे रहोगे, पूछेगा नहीं, वो समझेगा कि दादा उल्लू है, क्योंकि वो जिंदगी उल्लू की है। ये सारी जिंदगियां हम यहां काटते हैं, इसलिए काम करना, मेरे गोविंद को मत छोड़ना। आइए थोड़ा भागवत स्मरण, उसके बाद चलते हैं भागवत जी की धारा पर। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल।
बोलो गोविंद भगवान की जय। ध्यान देना, बच्चे चले गए, पत्नी चली गई। आपको शायद याद होगा, इदास एक दिन बोला है इस पीठ से कि सच्चा प्रेम इस धरती पर होता ही नहीं है, इस मृत लोक में है ही नहीं। ये कहने का तात्पर्य यह था, जीव तू किसके लिए व्यथित है, घर परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए ठीक है, करना चाहिए, हमारा कर्म है, कर्तव्य है, मैं उसे विमुक्त रहने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को उनमें बांध करके न रख। संसार में रहना अपराध नहीं है, संसार को मन में रखना अपराध है। जब गजेंद्र के पास कोई दिखाई नहीं पड़ा और कौन है तुम्हारा ये बताओ, पहले तुम्हारा क्या है और तुम्हारा कौन है, ये दो सवाल है। अरे आपको हमको पैदा किसी दूसरे ने किया, हमारा तुम्हारा जो नाम है ये भी दूसरे ने ही रखा, मां बाप ने रखा, परिवार वालों ने रखा, पढ़ाया लिखाया दूसरे लोगों ने, शादी ब्याह भी दूसरे के साथ हुआ, और जब मर जाएंगे तो चार दूसरे लोग लाद कर भी ले जाएंगे। जब दूसरे के सहारे ही पूरी जिंदगी है तो तुम्हारा क्या है, पहले ये बताओ तुम्हें किस चीज पर अभिमान है। इस नाश्वान संसार में, इस धरती पर पैदा होकर के तुम सुख ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो। अरे जैसे पुस्तकालय है, जैसे औषधालय है, ऐसे यह संसार दुखालय है भैया। यहां सब लोग अपना कर्म भोगने के लिए ही तो पैदा हुए हैं, और इस धरती पर जितने मानव हैं, किसी के कलेजे पर हाथ रख करके उससे पूछो कि सुखी हो, तो अंदर से जवाब आएगा नहीं। ये कैसे चल रहा है, बहुत सारी बातें इस तरह से है कि जिसमें आदमी दम घुटता है उसका खुद मरता है, वो बेचारा किसी से कह ही नहीं सकता कि हमको ये तकलीफ है, इससे बड़ा और बंधन क्या हो सकता है। गजेंद्र ने कहा जाओ, और उसने उसको अब ख्याल आया कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। भगवान जानते हो किसे कहते हैं, मैं आपके भाषा में अर्थ बोल दे रहा हूं। भा से भूमि, भा माने भूमि, और गा का अर्थ है गगन आकाश, और वा का अर्थ है वायु, और आ का अर्थ है अग्नि, और ना का अर्थ है नीर माने पानी। इस पांचों पर जिसकी हुकूमत चले वो है भगवान। जिस पर प्रकृति की हुकूमत चले वो भगवान है, और जो इसके अधीन है वो हम जैसे छोटे छोटे इंसान। यहां कथा हो रही है, अभी तगड़ी आंधी आ जाए तो सारे लोग बिल्डिंग में, यहां शायद कोई पूछने वाला खड़ा हो कि महाराज जी लोग बचे, पोथी पत्र बचा या नहीं। यहां बड़ी तेज बारिश हो आप नहीं खड़े होंगे, यहां अभी कहीं आग लग जाए आप रुक नहीं सकते, तो हम कोई चीज नहीं झेल सकते, और उनका सब पर नियंत्रण है, इसलिए वो भगवान। आइए विषय पर आइए। गजेंद्र ने कहा हे ठाकुर, मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है। श्लोक देखना जरा, बुद्धिर्विकुंठितानाथ बुद्धिर्विकुंठितानाथ समाप्ता मम युक्तया
नान्यम नैव विजानाम त्वमेव शरणम। हे ठाकुर, मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है और मेरे समझ में कोई बात आ नहीं रही है। मैंने सारी युक्तियां की महाराज और सारी युक्तियों को लगा करके मैं थक चुका हूं, अब मुझ में बल नहीं है। हे प्रभु, हे आर्तत प्राण परायण नारायण, अब मेरा कल्याण करो। और भगवान कहते हैं, गोस्वामी जी का मानस देखना, भगवान तो कहते हैं ना, करहू सदा तिन की रखवारी, करहू सदा तिन की रखवारी, करहू सदा तिन की रखवारी, करहू सदा तिन की रखवारी। जीवित शरण गए प्रभु पाहुन त्यागा, शरण गए प्रभु पाहुन त्यागा, शरण गए प्रभु पाहुन त्यागा, शरण गए प्रभु पाहुन। गजेंद्र ने कहा, हे आर्तत प्राण परायण, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। ये आदमी जब हर जगह से बेचारा टूट जाता है तब इसको भगवान बहुत याद आते हैं। उस वक्त जितना भगवान को आप दुख में याद करते हैं, उतना अगर हमेशा याद किया करें तो हो सकता है कि इस स्थिति का सामना ही ना करना पड़े। ये सामना न करना पड़े। गजेंद्र ने कहा, स्तुति प्रारंभ किया, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषाय आदि बीजाय परीशाय विधीमहि। हे ठाकुर, इस संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब आपके द्वारा दिया गया बीज है। पुरुषाय आदि बीजाय, इस संसार में जो कुछ है वो आप है ठाकुर, आपके सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। न विद्यते अस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा, तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालम ऋक्षति। हे प्रभु, आपका जन्म कर्म नाम रूप कुछ नहीं है, लेकिन समय आने पर आप भक्तों का कल्याण करते हैं। हे आर्तक प्राण परायण भगवान, हे मेरे नारायण, हे मेरे जीवन सार सर्वस्व, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणी परमात्मनि,
नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपि। गजेंद्र ने बहुत स्तुति किया है और मैं भगवत भक्तों आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग जिंदगी में अपना मोक्ष चाहते हो वो गजेंद्र मोक्ष का डेली पाठ करते। अगर इसका पाठ कर दिया जाए, कोई आदमी मर रहा हो तो उसके प्राण बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। जो जीवन में मुक्त होना चाहते हैं वो इस वाणी से भगवान की आराधना कर सकते हैं। गजेंद्र स्तुति करता रहा और उधर ग्राह इतना तेजी से खींचे लिए जा रहा है कि थोड़ी सी सूण उसकी बाकी बची पानी में डूबने में। उसने क्या किया, एक कमल के फूल को अपने सूण में लपेट लिया। ध्यान देना शब्दों से, एक कमल के फूल को सूण में लपेटा और ऐसे ऊपर उठा दिया उसने। उसके आंखों में भरा है पानी, उसका हृदय रो पड़ा, उसके मन की वृत्तियां रो पड़ी और कहा, हे ठाकुर, आपकी पूजा करने के बाद भक्त लोग आपको पुष्पांजलि देते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हे अनाथनाथ, ये मेरे जीवन की आप अंतिम पुष्पांजलि स्वीकार कर लीजिए और हमको मुक्त कर दीजिए। भागवत में लेख है, गजेंद्र बहुत परेशान होकर के